नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस खास पेशकश CGPSC मेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ खुशबू साहू। दोस्तों 29th of February को डिस्कशन कम्युनिटी में आप सभी के समक्ष CGPSC मेंस का पेपर नंबर 6 का पार्ट 3 सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का एक टॉपिक छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों के ऊपर 6 सवाल जो है रखे गए थे। आइए देखते हैं वो जो 6 सवाल है उसके आंसर्स कैसे लिखे जाने चाहिए और किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का आपको ध्यान रखना होगा आंसर राइटिंग के समय। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, कांड विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? कांड मैरिज आर प्रिवेलेंट इन विच ट्राइब्स? देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको 30 वर्ड्स में लिखना है, तो इसका आंसर कैसा होना चाहिए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कांड विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले अपने आंसर के पहले लाइन में ये बताना होगा कि ये जो विवाह है वो किस जनजाति में प्रचलित है। तो गरियाबंद जिले में निवास करने वाली जो भुंजिया जनजाति है उनमें कांड विवाह किया जाता है। कांड विवाह को आप तीर विवाह भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि भुंजिया जनजाति के लोग बाल विवाह जैसी जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसको तोड़ते हुए अपनी संस्कृति को भी बचाए रखते हुए वो क्या करते हैं कि 5 से 9 वर्ष की जो लड़कियां होती है इस जनजाति में, कितने से कितने वर्ष की लड़कियाँ, 5 से 9 वर्ष आयु वर्ग की जो लड़कियाँ होती है उनका विवाह ये किससे कर देते हैं, तीर से कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इनकी जो संस्कृति है वो भी बची हुई है, उसे भी ये बनाए रखे हैं और जो रूढ़िवादी विचारधारा है जैसे कि इनका मानना है कि बाल विवाह जो करना है वो जो बाल विवाह है वो सही नहीं है, नहीं करना चाहिए बाल विवाह को, तो उसके विरुद्ध भी ये क्या कर रहे हैं, अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि इस जनजाति में 5 से 9 वर्ष की लड़कियों का विवाह जो है वो तीर से कर दिया जाता है, जिससे ये माना जाता है कि जो लड़कियाँ हैं वो पवित्रता को हासिल कर ली है। फिर बाद में क्या किया जाता है कि इस तीर को किसी देवस्थल में जाकर रख दिया जाता है और समय समय पर फिर इसकी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से आपको 30 वर्ड्स में लिखना है कि कांड विवाह अर्थात तीर विवाह, ठीक है, गरियाबंद जिले में निवास करने वाली भुंजिया जनजाति के द्वारा इस विवाह को किया जाता है। उसके बाद आपको और शब्द सीमा अभी आपकी जो है लिमिट जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप और क्या लिख सकते हैं इसमें कि ये जो विवाह है भुंजिया जनजाति में बाल विवाह जैसी रूढ़िवादी विचारधारा को समाप्त करने के लिए और अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए ये लोग क्या करते हैं, 5 से 9 वर्ष की लड़कियों का जो विवाह है वो किससे कर देते हैं, तीर के साथ कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि इनकी मान्यता है कि वो जो लड़की है वो पवित्रता को हासिल कर ली है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है 30 वर्ड्स में लिखना है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, अबू झमाड़िया जनजाति की जीवन शैली को समझाइए, एक्सप्लेन द लाइफ स्टाइल ऑफ द अबू झमाड़िया ट्राइब। तो आपको अबू झमाड़िया जनजाति की लाइफ स्टाइल के बारे में बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिस्कशन कम्युनिटी में इसका आंसर लिखा है, लगभग सभी ने सही लिखा है, कुछ भी ऐसा हाँ अलग अलग सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनकी लाइफ स्टाइल को बताया है। हो सकता है आंसर जो है वो अलग अलग लिखा गया हो लेकिन सबने लगभग सही आंसर लिखा है। उसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 1 था कांड विवाह से संबंधित उसका भी आंसर जिस भी स्टूडेंट ने डिस्कशन कम्युनिटी में लिखा है सही आंसर लिखा है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगी कि किसी ने बहुत ही उमदा प्रदर्शन किया है इस आंसर पे या फिर किसी ने कुछ गलतियाँ की, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबने लगभग सही आंसर लिखा है। तो आते हैं हम इसके आंसर पे। तो देखिए आपको अबू झमाड़िया जनजाति की जीवन शैली के बारे में बताना है। आप जब इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो आपके पास केवल 30 वर्ड्स है क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप यहाँ पर सेंटेंस लिखने वाले हैं वो वाक्य जो है पहला वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य से कनेक्टेड हो और जो दूसरा वाक्य है वो तीसरे वाक्य से कनेक्टेड हो। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि जो अबू झमाड़िया जनजाति है वो कहाँ निवास करती है। अबू झमाड़िया जनजाति जो है वो अबू झमाड़ क्षेत्र में निवास करती है। अबू झमाड़ क्षेत्र जो है, अबू झमाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन कौन से जिले के अंतर्गत आती है, तो नारायणपुर और बीजापुर जिले के अंतर्गत आती है। अभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने कह दिया कि अबू झमाड़ की पहाड़ियों में निवास करती है तो बात वहीं पर ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास ओनली 30 वर्ड्स है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, अबू झमाड़ की दुर्गम पहाड़ियों एवं घाटियों में निवास करते हैं, ठीक। चूँकि ये पहाड़ियों में निवास करते हैं इसलिए घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, ये अपना घर स्वयं बनाते हैं जो कि घास फूस लकड़ी और मिट्टी का बना होता है। अब देखिए इनका जो घर होता है वो घास फूस लकड़ी और मिट्टी का बना होता है, तो ज़्यादा लाइफ हो सकता है क्या इनके घर का? नहीं हो सकता है।
तो इनका जो घर होता है वो स्थायी रूप से नहीं होता, ये 4-5 साल उस घर में रहते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं और नया घर बनाकर फिर वहाँ पर ये रहने लगते हैं। तो मैंने क्या बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, अपना घर स्वयं बनाते हैं लेकिन वो यहाँ स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, 5-6 सालों के बाद क्या करते हैं कि वो अपना घर जो है वो बदल लेते हैं। अब चूंकि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति की होते तो आप लोग को ये भी ऐड ऑन करना पड़ेगा कि ये लोग स्थानांतरित कृषि पैदा करते हैं, ठीक है, और अपना जो जीवन यापन है वो कैसे करते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ी जंगलों में रहते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं, वनों पर संग्रहण करते हैं, पशुपालन करते हैं, बाड़ी लगाते हैं, इस प्रकार से ये अपना जीवन यापन जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से आप 30 वर्ड्स में अपना आंसर जो है लिख सकते हैं। उनकी लाइफस्टाइल को अगर आपको बताना है तो आपको स्टार्ट यहीं से करना पड़ेगा कि वो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, और जो इनमें एग्रीकल्चर होता है वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, और अपनी आजीविका के लिए ये पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न विशेष पिछड़ी जनजातियों के निवास स्थान पर प्रकाश डालिए, हाईलाइट द हैबिटेट ऑफ वेरियस स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है डिस्कशन कम्युनिटी में जितने भी स्टूडेंट्स ने लिखा है, कंटेंट की बात करें तो सबने सही लिखा है आंसर, लेकिन जब हम मैप में आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैप ड्रॉ किया है इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए। तो मैं उन सभी स्टूडेंट को संबोधित करके कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने भी मैप बनाया है आप इस बात का ध्यान रखें कि छत्तीसगढ़ का जो मैप है जब भी आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो देख के लगना चाहिए कि वो छत्तीसगढ़ का मैप है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस मैप को देख के समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने किस चीज़ का मैप बनाया है, किसी ने रेक्टेंगल शेप बनाया है, किसी ने जो भी मैप ड्रॉ किया है वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो छत्तीसगढ़ का नक्शा है भी कि नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप मैप वहाँ पर बना रहे हैं तो ऐसा बनाएं कि वो लगना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का मैप है, वरना मत बनाइए क्योंकि यहाँ से आपके मार्क्स कटने के चांसेज हैं। इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ आप लोग को, और जब भी आप मैप बना रहे हैं तो आप कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखिए कि जो भी सबसे पूर्वी जिला है, पश्चिमी जिला है, जो दक्षिणतम बिंदु है सुकमा का, वो दिखना चाहिए मैप में। ऐसे आपका मैप का जो शेप है वो ऐसा होना चाहिए कि लगना चाहिए कि जो सबसे पूर्वी जिला है जशपुर वो यहाँ पर शो हो रहा है, जो दक्षिणतम बिंदु है सुकमा का वो सबसे नीचे ड्रॉ हो रहा है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप मैप बना रहे हैं तो, और ऐसा लगना चाहिए कि वो छत्तीसगढ़ का मैप है। आते हैं हम अपने आंसर पे। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कुल 7 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, 5 केंद्र सरकार की ओर से और 2 राज्य सरकार की ओर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में लिखना है, तो आपके पास सफिशियंट स्पेस है लिखने के लिए। तो मैप बनाना कोई बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, चूँकि आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो समझाना है, इसलिए मैं यहाँ पर मैप ड्रॉ कर ली हूँ और मैप के थ्रू मैं आप लोग को इसका आंसर जो है बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबूझमाड़िया जनजाति की। तो ये लोग कहाँ निवास करते हैं, बीजापुर और नारायणपुर के क्षेत्र में निवास करते हैं, अबूझमाड़ की पहाड़ियों में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देते हैं अबूझमाड़िया जनजाति। फिर हम बात करेंगे बैगा की। तो बैगा जनजाति जो है वो मैकल रेंज में निवास करती है, मैकल श्रेणी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर निवास करती है, राजनाथ गांव से लेकर गौरेला पेंड्रा मरवाही से होते हुए हम कोरिया का भी कुछ भाग लेते हैं, यहाँ पर बैगा जनजाति निवास करती है। फिर हम बात करेंगे पहाड़ी कोरवा जनजाति की। तो पहाड़ी कोरवा जनजाति जो है वो बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर और ये जो कोरबा का एरिया है यहाँ पर निवास करती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहाड़ी कोरबा जनजाति। बिरहोर जनजाति, बिरहोर जनजाति जो है वो जशपुर और रायगढ़ में निवास करती है। फिर हम बात करेंगे कमार जनजाति की। कमार जनजाति जो है वो गरियाबंद और आंशिक रूप से धमतरी में निवास करती है। तो यहाँ पर हम कमार लिख देते हैं। भुंजिया जनजाति भी कहाँ निवास करती है, गरियाबंद जिले में निवास करती है। और सबसे लास्ट पंडो जनजाति। पंडो जनजाति जो है बिलासपुर और सरगुजा के एरिया में निवास करती है, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पर निवास करती है, बिलासपुर और सरगुजा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जितनी भी जनजातियां हैं वो छत्तीसगढ़ की जितनी भी सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पर निवास करती है, पहाड़ी क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। और जब भी आप इनका सीक्वेंस याद रखेंगे तो ऐसे ही याद रखिएगा, अबूझमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर, कमार, भुंजिया और पंडो। जब आप इस सीक्वेंस में इस जनजातियों को याद रखेंगे तो इनके निवास स्थान को भी डिक्टेट करने में आपको क्या होगी, आसानी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, अबूझमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर, कमार, भुंजिया और पंडो।
ठीक, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियाँ किस प्रकार से अनुसूचित जनजातियों से भिन्न है? हाउ आर द स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़ डिफरेंट फ्रॉम द शेड्यूल ट्राइब्स? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन कम्युनिटी पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने टेबल के फॉर्म में लिखा है, टेबलर फॉर्म में लिखा है। अच्छी बात है, जब भी हमको अंतर दर्शाना होता है तो हमें टेबल का उपयोग करना चाहिए। रविकांत कश्यप जी का जो आंसर है बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। रविकांत कश्यप जी, आपके सारे आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए, आपने जितने भी आंसर लिखे हैं डिस्कशन कम्युनिटी पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है। मैं कहना चाहूँगी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप जाकर उनका आंसर देखिए और वहाँ से प्रेरणा ले कि आंसर किस प्रकार से लिखा जाता है। अब हम आते हैं अपने आंसर पे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको 60 वर्ड्स मिलेंगे लिखने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि 60 वर्ड्स में आप कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। इसका सबसे बेहतर तरीका है टेबल, आप टेबल बना सकते हैं। जब भी आप टेबुलर फॉर्म में कुछ लिख रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि जिन जिन आधारों को आप ले रहे हैं, सबसे पहले आप उन आधारों को ले जो जिस आधार का वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहले आप ये बताएंगे कि अनुसूचित जनजातियां जो है वो संवैधानिक अवधारणा है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया है, लेकिन विशेष पिछड़ी जनजाति जो है वो संवैधानिक श्रेणी में नहीं आती है और ना ही ये संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त समुदाय है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विशेष पिछड़ी जो जनजातियाँ हैं उसे भारतीय संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों को आर्टिकल 342 में सूचीबद्ध किया गया है और इन्हीं अनुसूचित जनजातियों में से ऐसी अनुसूचित जनजातियाँ जो विशेष रूप से पिछड़ी हुई है, गृह मंत्रालय के द्वारा उनकी अलग से एक सूची बनाई गई है, एक सूची जारी की गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियाँ कहते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि अनुसूचित जनजातियां जो है वो एक संवैधानिक अवधारणा है, इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 342 में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन विशेष पिछड़ी जनजातियां जो है वो संवैधानिक श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है और ना ही ये संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त समुदाय है। ये जो भी अनुसूचित जनजातियां आर्टिकल 342 में सूचीबद्ध की गई है जिन जनजातियों को, उन्हीं अनुसूचित जनजातियों में से इन्हें निकाला गया है जो कि विशेष रूप से पिछड़ी हुई है और इनकी एक अलग सूची तैयार की गई है, किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। तो पहले आप ये अंतर बताएंगे, उसके बाद इसका आधार क्या था, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों को अलग रखने का जो आधार था वही आधार आप यहाँ पर लेंगे और ये बताएंगे कि ये कैसे अनुसूचित जनजातियों से अलग है। तो ये आधार कौन कौन से हो सकते हैं? इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी आर्थिक स्थिति ऐसे कि चूंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये लोग जो है कहाँ रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है, तो ये जो अपनी आजीविका का जो इनका साधन है वो क्या हो सकता है, ये स्थानांतरित कृषि करते हैं, वनोपज संग्रहण करते हैं, शिकार करते हैं, मतलब कि अस्तित्व की पूर्व की कृषि प्रणाली इन लोग यूज़ करते हैं, जबकि जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं वो आज के टाइम पर स्थायी कृषि करने लगी है, मजदूरी करती है, जो कई लोग जो है वो शासकीय कर्मचारी हैं और ये शिल्पकला में भी निपुण होते हैं। तो इस प्रकार से पहले आप इनकी आर्थिक स्थिति का आधार बना के इनमें अंतर बताइएगा, फिर बताइएगा इनका जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, अनुसूचित जनजातियों का 50-60% है लेकिन वहीं पर विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजातियाँ हैं उनका 20% से भी कम है। इनके पॉपुलेशन ग्रोथ के का आधार ले सकते हैं आप कि जो इनकी जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है अनुसूचित जनजातियों की, इनकी सामान्य रूप से या कम रूप से वृद्धि तो हो रही है लेकिन इनमें क्या है, इनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या तो ज़ीरो है या तो नेगेटिव है, मतलब कि या तो वो रुक सी गई है या तो फिर कम होती जा रही है उनकी जनसंख्या जो है। चौथा आधार आप ये लग सकते हैं, भौगोलिक अलगाव, ये लोग जो है अब मैदानी क्षेत्रों में निवास करने लगे हैं अनुसूचित जनजाति के लोग, लेकिन विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजातियाँ हैं वो आज भी दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में वनों में निवास करती है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि उनमें शिक्षा का अभाव हो रहा है, उनमें जागरूकता की कमी आती जा रही है। सरकार के द्वारा इनके विकास के लिए, इनके संरक्षण के लिए जो भी योजनाएँ बनाई गई है इससे वो अवगत नहीं है और ना ही उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो इस प्रकार से 100 शब्दों की बात हो चाहे 175 वर्ड्स की बात हो, आप सभी तरीके से इसका आंसर जो है लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपको कहा गया कि आपको 60 वर्ड्स में लिखना है तो आप ये टेबल बनाइए
और ये जो इनके की पॉइंट्स हैं ये लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये लिखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये रिप्रेजेंट किया है, ये वहाँ पर समझा जाएगा, क्योंकि जो रविकांत कश्यप का जो आंसर है वो इसी प्रकार से लिखा गया है और बहुत ही इफेक्टिव तौर पर लिखा गया है और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है वो आंसर देखने में। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ ब्रीफ कमेंट ऑन दी बैगा ट्राइब। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, लेकिन रविकांत कश्यप, उत्तर साव, आकांक्षा पांडे और रजनी देवांगन ने और भी अच्छे तरीके से लिखा है, तो आप जाके उनका आंसर देख सकते हैं। आकांक्षा पांडे, आपने जो मैप बनाया है वो अच्छा बनाया है, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ ये छत्तीसगढ़ का मैप है, लेकिन उसमें और सुधार हो सकते हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। जब भी आप मैप बना रहे हैं तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि वो छत्तीसगढ़ का मैप जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आते हैं हम आंसर पे। देखिए जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको 100 शब्दों में लिखना है इसका आंसर। तो आप पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप ऐसे सब हेडिंग्स देके उसको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे लिखना है। आप पॉइंट्स में भी इसका आंसर लिख सकते हैं, बस इन बातों का ध्यान रखिएगा कि यदि आप पैराग्राफ में इसका आंसर लिख रहे हैं तो जो आप पहला वाक्य लिख रहे हैं उसकी कनेक्टिविटी दूसरे वाक्य से होनी चाहिए, और पैराग्राफ के फॉर्म में जब आप लिख रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बिल्कुल स्टोरी के फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक। और जब भी आप ऐसे पॉइंट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं या फिर सब हेडिंग्स डाल के लिख रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप एक सेंटेंस में कैसे दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, जो कि द्रविड़ियन मूल की जनजाति है, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्से में मैकल श्रेणी में राजनांदगांव, बिलासपुर, कवर्धा, मुंगेली, गोरेला पेंड्रा मरवाही और कोरबा क्षेत्र में निवास करती है। तो इस प्रकार से देखिए आपको क्या क्या पता चल गया, चार जानकारी आपको यहाँ से मिल रही है एक ही सेंटेंस से, कि जो बैगा जनजाति है वो विशेष पिछड़ी जनजाति है, दूसरी जानकारी आपको ये मिलेगी द्रविड़ियन मूल की जनजाति है, तीसरी जानकारी आपको ये मिलेगी छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्से में निवास करती है, और चौथी जानकारी किन किन जिलों में निवास करती है। तो इस प्रकार से आपको एक सेंटेंस में बहुत सारी जानकारी देना है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। इसी चार जानकारी को आप चार वाक्यों में भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसे क्या किया, एक ही सेंटेंस में समाहित कर लिया। तो इस प्रकार से आपके आंसर होने चाहिए। तो पहले आप ये बताएंगे कि बैगा जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है, तो द्रविड़ियन मूल की जनजाति जो बैगा है वो मैकल श्रेणी में निवास करती है, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही और कोरिया जिले में निवास करती है। फिर आप बताएंगे कि बैगा का मतलब क्या होता है, बैगा अर्थात पुरोहित, इन्हें गोंडों का पुरोहित कहा जाता है। इनकी उपजातियों की बात करें तो ये बहुत सारी उपजातियों में बटी हुई है, जैसे कि नरोतिया, भारोतिया, राम भैना, कह भैना, इस प्रकार से ये बहुत सारी उपजातियों में बटी हुई है। बिंजवार भी इनकी उपजातियों के अंतर्गत आती थी, लेकिन आज की डेट पर वो खुद को स्वतंत्र मानती है। फिर आप इनके आर्थिक जीवन पर चर्चा करेंगे कि ये जो लोग हैं ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, स्थानांतरित कृषि व्यवहार करते हैं। ये बात भी आप लिख सकते हैं कि ये लोग जब कृषि करते हैं तो हल नहीं चलाते उस भूमि पर, जुताई नहीं करते हल से उसकी, क्योंकि इनकी ऐसी मान्यताएं हैं कि हल चलाने से भूमि माता को तकलीफ होती है, इसलिए ये हल नहीं चलाते और स्थानांतरित कृषि करते हैं। शिकार करते हैं, विशेष प्रकार के फंदे से ही लोग शिकार करते हैं, ओझा का कार्य करते हैं, तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं, औषधि का इन्हें अच्छा ज्ञान होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मेडिसिन मैन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इनके आर्थिक जीवन को बता सकते हैं। फिर आप इनके धार्मिक पक्ष पे आ सकते हैं कि ये जो लोग हैं वो बूढ़ा देव को मानते हैं, इनके जो आराध्य देव है उनका नाम क्या है, बूढ़ा देव। इनकी ऐसी मान्यताएँ हैं कि जो बूढ़ा देव है वो साल वृक्ष पर निवास करते हैं, दुल्हा देव जो है बीमारियों से इनकी रक्षा करते हैं, और ठाकुर देव हैं वो इनकी भूमि की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से आप इनके धार्मिक पक्ष को बता सकते हैं। इनकी कुछ विशेष बातें वो आप बता सकते हैं, लाइक ये लोग गोदना प्रिय जनजाति है, इनका ऐसा मान, लगभग जितनी भी स्त्रियां होती है वो सभी के सभी, लगभग जितनी भी स्त्रियां और पुरुष होते हैं वो सभी के सभी अपने बॉडी के हर एक हिस्से में, हर एक पार्ट में क्या करते हैं, गोदना गुदवाते हैं। तो ये जनजाति के लोग जो हैं वो
गोदना प्रिय जनजाति है, इनका जो प्रिय पेय पदार्थ है वो ताड़ी है, आप इसके बारे में बता सकते हैं। और उसके बाद फिर आप इनकी सांस्कृतिक विशेषताओं में आ सकते हैं कि इस जनजाति के लोगों में जो नृत्य होता है वो बहुत ही विविधतापूर्ण होता है, बहुत अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग अवसर पर ही लोग अलग अलग प्रकार के नृत्य करते हैं, कर्मा, बिल्मा, सैला, परघौनी, दशहरा, इस प्रकार से आप इनके नृत्य के बारे में बता सकते हैं। इनके जो पर्व त्यौहार है उनके बारे में बता सकते हैं कि नवाखाई, कर्मा, ये सारी ये लोग फेस्टिवल मनाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आप ये भी बताइएगा कि वेरियर एल्विन ने इनके ऊपर एक किताब लिखा है जिसका नाम है द बैगास। तो 100 शब्दों में जिन जिन मुख्य बातों को आप अपने आंसर में लाना चाहते हैं, जिन जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अपने आंसर में समाहित करना चाहते हैं, उसे बिल्कुल कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप सबका सब कुछ लिख सकते हो, लेकिन जो इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो आप लिख ही सकते हो, तो उसका आप ध्यान में रख के इसका आंसर लिखिएगा। हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा आखिरी प्रश्न है, विशेष पिछड़ी जनजातियों के पिछड़े होने के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द मेन रीजंस फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ द PBTG। तो देखिए, आपको ये जो क्वेश्चन है 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको भरपूर वर्ड्स मिलने वाले हैं, 175 वर्ड्स मिलने वाले हैं इसके आंसर को लिखने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको केंद्रित नहीं होना है कि हाँ सिर्फ पूछा क्या गया है, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियाँ हैं उसके पिछड़े होने के कारण को पूछा गया है तो हमको इसके कारणों को लिख देना है, तो ऐसा नहीं करना है। 175 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो आप बिल्कुल अपने भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। आपके पास वर्ड लिमिट नहीं है, मतलब कि वर्ड लिमिट है पर बहुत ही अच्छे भाव में आप ज़्यादा वर्ड्स के साथ यहाँ पर लिख सकते हो। 175 वर्ड्स मिल रहे हैं आपको, तो आप पहले इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाइएगा। जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किन कारणों की वजह से इन अनुसूचित जनजातियों में से कुछ अनुसूचित जनजातियों को निकाला गया, उनकी एक सूची तैयार की गई और उन्हें विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति कहा गया। जो भी कारण थे वही तो कारण है इनके विशेष रूप से पिछड़े होने का, तो वहाँ से हमें समाधान भी मिल जाएगा। तो जब आप इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहले आप बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के द्वारा 5 और राज्य सरकार के द्वारा 2 जनजातियों को विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह में रखा गया है। ये जनजातियाँ कौन कौन सी है फिर आप ये बताइएगा। अबू जमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, भुंजिया और पंडो। बता दिया विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है, ठीक। अब थोड़ा आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे, आप बताएंगे कि 1960-61 में लेबर आयोग आया था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अनुसूचित जनजातियों के मध्य जो विकास का दर है उसमें असमानता पाई गई है। क्यों असमानता पाई गई है? क्योंकि जो शेड्यूल 5 में जितना भी अनुसूचित क्षेत्र है, ये अनुसूचित क्षेत्र किस आधार पर बनाया गया, इस आधार पर बनाया गया कि यहाँ पर जो जनजातियों का पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रकार से इस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं, जनजातियाँ जो हैं वो निवास करती है, लेकिन उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया जा रहा था। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें ऐसा है कि अनुसूचित जनजातियों के मध्य जो भी विकास दर है उसमें असमानता पाई गई है, तो कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि ऐसे जनजातियां जो कि विकास क्रम में बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं उनका भी विकास जो है वो हो सके। तो मैंने अभी तक क्या क्या बताया कि 1960-61 में ढेबर आयोग आया था, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट के आधार पर और बहुत सारी अदर स्टडीज़ के आधार पर जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी 1969 से लेकर 74 तक ये चली थी, उसके अंतर्गत 1975 में एक उपश्रेणी तैयार किया गया और कुछ जनजातियों को, कुछ अनुसूचित जनजातियों को एनलिस्ट किया गया जिन्हें क्या कहा गया, आदिम जनजाति समूह कहा गया, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कहा गया। क्या क्या मैंने बताया अभी तक? मैंने ये बताया कि 1960-61 में ढेबर आयोग आया, उसने जो भी रिपोर्ट तैयार की वो रिपोर्ट जो है पूरा इस बात पे फोकस था कि अभी भी यहाँ पर कुछ कुछ अनुसूचित जनजातियाँ ऐसी हैं जिनका विकास जो है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, वो बहुत दूरस्थ एरिए में निवास करती है, तो उनके लिए कुछ उपाय करना चाहिए, कुछ योजना बनानी चाहिए। और उनके उसके रिपोर्ट के आधार पर और अन्य अध्ययन के आधार पर जो चौथी पंचवर्षीय योजना, वहाँ पर 1975 में क्या किया गया, एक उपश्रेणी तैयार किया गया और ऐसी अनुसूचित जनजातियां जो कि विकास क्रम में बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई है उनका एक लिस्ट तैयार किया गया और उन्हें क्या कहा गया, आदिम जनजाति समूह कहा गया, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कहा गया।
अब इन्हें इस ग्रुप में रखने का आधार क्या था? तो मुख्य चार आधार थे। पहला आधार था प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो इनके जो कृषि पद्धति है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जा रहा है। मतलब कि ये वैसे समूह के लोग हैं जो लोग आज भी स्थानांतरित कृषि करते हैं, वनोपज संग्रहण करते हैं, शिकार करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरा आधार था इकोनॉमिकली बैकवर्ड। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो कृषि कर रहे हैं, ये जो अपना आजीविका का जो इनका साधन है मेन, वो क्या है? वनोपज संग्रहण करना है, शिकार कर रहे हैं, तो इससे वो कितना ही आमदनी कमा सकते हैं। तो ये इकोनॉमिकली क्या है? बैकवर्ड है। ये आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा इनका जो स्तर है वो क्या है? निम्न है। तीसरा आधार था एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी इन कंपैरिजन विद अदर ट्राइबल ग्रुप। बाकी जितनी जनजाति समूह हैं यदि उनसे कंपेयर करें तो इनका जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। जो बाकी जनजातियों की साक्षरता दर है वो 50 से लेकर 60% तक तो है, लेकिन इनका जो साक्षरता दर है वो 20% से भी कम है। क्यों कम है? क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं, वहाँ पर ना ही कोई मानव जा पा रहा है, ना ही कोई सरकार की जो सुविधाएं हैं वो जा पा रही है, तो इस प्रकार से इनमें साक्षरता दर भी कम है। और चौथा आधार था जीरो और नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब कि शून्य या नेगेटिव का मतलब कि इनकी जनसंख्या में लगातार कमी होती जा रही है। तो इन चार आधार पर इन्हें एक समूह तैयार किया गया था, एक उपश्रेणी तैयार किया गया था, जिनमें कुछ कुछ अनुसूचित जनजातियों को रखा गया था और उन्हें क्या कहा गया था? आदिम जनजाति समूह कहा गया था। तो ये मुख्य चार कारण थे जिसकी वजह से एक अलग ग्रुप तैयार किया गया था। फिर 2006 में क्या हुआ कि इन्हीं ग्रुप को प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप नाम दिया गया, मतलब कि आदिम और कमजोर जनजाति समूह कहा गया, जिसे आज की डेट पे हम क्या कहते हैं? PVTG कहते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कहते हैं। तो इस प्रकार से आप पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाइएगा, इसको बताइएगा, फिर आप आएंगे इनके कारणों पे कि प्रमुख कारण क्या क्या हैं। तो बहुत सारे फिर आपको कारण नज़र आएंगे, जैसे कि पहला कारण आप कह सकते हैं भौगोलिक अलगाव। ये कहाँ रहते हैं? दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, जंगली इलाकों में रहते हैं, घाटियों में निवास करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बाकी जनजाति समूह हैं, चाहे हम उनकी बात करें, सरकार की बात करें या फिर सभ्य समाज की बात करें, कोई भी इन तक पहुँच नहीं पा रहा है। नक्सलवाद की भी एक समस्या है, चूँकि ये पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि सीमावर्ती जिलों में निवास करते हैं, तो इन सीमावर्ती क्षेत्रों में जनरली क्या होता है कि नक्सलवाद जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसकी वजह से भी ये होता है कि इन क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं, ना ही वो बाहर जा पाते हैं, ना ही बाहर के लोग इनके संपर्क में आ पाते हैं। तो ये भी एक कारण है, भौगोलिक अलगाव की वजह से इनका विकास जो है वो रुक सा गया है और ये समाज की मुख्य धारा से लगातार अलग होते चले जा रहे हैं। दूसरा, सुविधा में आप ये लिख सकते हैं कि चूंकि सरकार की जो भी योजनाएं बन रही हैं इनके विकास और इनके संरक्षण के लिए, वो इन तक पहुंच नहीं पा रही है। यदि ये इनके तक, चूंकि ये जो योजनाएं हैं, चाहे बात हो स्वास्थ्य की, पोषण की, व्यवसाय की, किसी प्रकार की अगर योजनाएं जो हैं इन तक नहीं पहुँच पा रही है, मतलब कि इनमें जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी है, शिक्षा का अभाव है, कोई भी फैसिलिटी वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनके साक्षरता दर में लगातार कमी होती जा रही है। तो आप इस प्रकार से सुविधा के बारे में लिख सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि इनकी जो रूढ़िवादी विचारधारा है वो भी एक कारण है इनके विशेष रूप से पिछड़े हुए होने के कारण, क्योंकि ये प्रकृति प्रेमी होते हैं, पूर्ण रूप से वृक्षों पर आश्रित होते हैं, प्रकृति पर आश्रित होते हैं। इनकी जितनी भी मान्यताएँ हैं, चाहे धार्मिक की बात करें, आर्थिक की बात करें, सांस्कृतिक की बात करें, सभी जो मान्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं से प्रकृति से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि ये प्रकृति, ये जंगलों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये वहीं रहना चाहते हैं। और ये इतने दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, किसी भी प्रकार की सुविधा जो है इन तक नहीं पहुँच पा रही है, तो ये भी एक कारण। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे कारणों को लिख सकते हैं, इन चारों कारणों को भी आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 175 वर्ड्स में इनके बारे में बताना है, इनके बारे में लिखना है। देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं,
लाइन से आप उसे पॉइंट्स वे में लिख सकते हैं, सब हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पहले आप विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में बताइएगा, फिर थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आएगा, फिर ये चार कारण को बताइएगा और कैसे इनका नाम बदलते गया आप इसे बताइएगा, और फिर उसके बाद आप इनके कारणों पर आइए। क्योंकि यहाँ तक जहाँ तक आपने इसके फर्स्ट हाफ की जो बात है या फर्स्ट पैराग्राफ की बात कह सकते हैं, जहाँ तक आपने इसकी चर्चा कर ली, वहाँ तक उसको वहाँ तक चेक करने वालों को ये समझ में आ जाएगा कि आपको हाँ इनकी जानकारी है, इनके बारे में पता है। फिर आप कारण कुछ भी लिखिए, आपको मार्क्स मिलेगा। कारण जो है बहुत सारे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इतने सारे कारण, पूरे सेशन की बात करें तो इतने सारे कारण मैंने आप लोग को बता दिए हैं कि आप बहुत अच्छे से इसके कारण को लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो रविकांत कश्यप ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लिखा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव लग रहा है उनका आंसर। तो आप बिल्कुल उनका आंसर जाके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि उनका आंसर जो है वो किस डायरेक्शन में लिखा जा रहा है, किस तरीके से लिखा जा रहा है। मुझे उनका आंसर बहुत ज़्यादा पसंद आया, आई होप आप सभी को भी पसंद आएगा। आप उनका आंसर जाके देखिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम छत्तीसगढ़ की अन्य जनजातियों से संबंधित सवालों के एक्सप्लेनेशन जो है वो उस पर चर्चा करेंगे। और ये जो छत्तीसगढ़ की अन्य जनजातियां हैं इसे दो पार्ट में मैं चर्चा करूंगी, पार्ट वन और पार्ट टू, मतलब कि इसके दो वीडियो आएंगे। चूँकि छत्तीसगढ़ में जो निवास करने वाली जनजातियाँ हैं उसके बारे में जानकारी जो है वो बहुत ही विस्तृत तौर पर देना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में बनाया है। और मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को जितनी भी जनजातियां हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल हमारे वेबसाइट में मोबाइल कोर्स ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी जनजातियों के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से जानकारी मिलेगी जो आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी हेल्पफुल होगी। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।